उमंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय आसानसोल शाखा। कुछ समय पहले अभिनेता अक्षय कुमार एक तंबाकू के विज्ञापन को लेकर विवादों में घिर गए थे। तंबाकू कंपनी का विज्ञापन करना अक्षय कुमार को भारी पड़ गया। अक्षय कुमार जो आम जीवन में अपनी फिटनेस और अच्छी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं, उनका पान मसाला ब्रांड का विज्ञापन करना उनके फैंस को रास नहीं आया और इसके कारण अक्षय कुमार को काफी विरोध का सामना भी करना पड़ा। हालांकि अक्षय कुमार ने अपने फैंस से एक लंबा सोशल मीडिया पोस्ट डालकर माफी भी मांग ली थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अक्षय कुमार की बात क्यों कर रही हूँ। दरअसल अक्षय कुमार की तरह ही कई ऐसे लोग हैं जिनकी गिनती खास हस्तियों के तौर पर की जाती है, लोग जिन्हें अपना रोल मॉडल मानने लगते हैं। बढ़ती शक्तियों के साथ बढ़ जाती है जिम्मेदारियां, पर आपका एक गैर जिम्मेदाराना कदम आपकी लोकप्रियता को अर्श से फर्श पर ला देती। ये बात हमने अक्षय कुमार के तंबाकू विज्ञापन के मामले में देखा। तो क्या कृष्णा प्रसाद के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि कल तक जो उनके साथ थे आज उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं? और क्या यही वजह हो सकती है कि 5 से 6 दिनों में लौटने का दावा करने वाले कृष्णा प्रसाद आज 8 दिन बीत जाने के बावजूद भी आसनसोल शहर नहीं पहुंच सके हैं? सुलगते सवाल कई है जिसके जवाब नहीं मिलने पर जिज्ञासा और अधीरता बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन इसके साथ ही लोगों को इस बात की भी उम्मीद है कि जिस दिन कृष्णा प्रसाद सामने आकर गोविंदपुर में महेश शर्मा और राजकुमार शुक्ला के साथ हुई बैठक के मामले में खुलकर बात करेंगे, उस दिन सारी परिस्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। महेश शर्मा और राजकुमार शुक्ला के साथ बैठक की तस्वीरें वायरल होने के बाद कृष्णा प्रसाद द्वारा जारी बयान में उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर कृष्णा प्रसाद को कोसते हुए कई टिप्पणियां देखी गई थी। हालांकि बाद में वे सब हटा दिए गए। इन सब में कृष्णा प्रसाद के लिए अच्छी बात ये रही कि ज्यादातर टिप्पणियां उनके समर्थन में ही दिखी। कृष्णा प्रसाद के समर्थक भी यही चाहते हैं कि गोविंदपुर लिट्टी होटल में हुई बैठक की सत्यता की जांच हो, ताकि एक समाज सेवी की छवि पर जो दाग लग रहा है वो साफ होकर सामने आए। पर इन सबके बीच जिले में भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मची हुई। बीजेपी के राज्य कमेटी के मेंबर, राज्य की महासचिव ने कृष्णा प्रसाद को दल का सदस्य नहीं बताते हुए तमाम तरह की बातें कही। वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष दिलीप दे द्वारा की गई कृष्णा प्रसाद के साथ पंचायत चुनाव से पहले की मुलाकात पर लोग दबी जुबान में ये कहने लगे हैं कि जिला अध्यक्ष के पद पर आसीन व्यक्ति को सोच समझ कर मुलाकात करनी चाहिए थी। उधर बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के स्टेट स्पोक पर्सन शंकर चौधरी ने कृष्णा प्रसाद के भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने का दावा करते हुए तर्क दिया कि कृष्णा प्रसाद कभी दल से अलग हुए ही नहीं, वरना जिला अध्यक्ष उनसे मिलने क्यों उनके घर जाते। देखिए, शुभेंदु अधिकारी जी का प्रोग्राम था बनपुर में जी। मैं बनपुर गया था, शुभेंदु का के साथ में था, कृष्णा प्रसाद भी वहाँ उपस्थित हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या आज झंडा पकड़ के बीजेपी ज्वाइन करेंगे? उनका जवाब था स्पष्ट कि मैं तो बीजेपी छोड़ा ही नहीं, तो झंडा पकड़ने का सवाल क्या पैदा होता। ठीक है, और जिस दिन निर्वाचन पंचायत निर्वाचन में आज से करीब 3-4 दिन पहले उनके घर पर प्रत्येक पंचायत सदस्यों को 5,000 रुपया करके 200 पंचायत सदस्यों को और समिति और जिला परिषद को पैसा दिया गया। किसके हाथों से? कृष्णा प्रसाद ने पैसा दिया है ऑफिस से, और बाद में हमारे जिला के सभापति माननीय दिलीप देव भी वहां पहुंच गए थे। आखिर कृष्णा प्रसाद यदि भाजपा में नहीं है तो आखिर ये लोग क्यों उसके पास गए थे? अब इस मुलाकात की बात के जवाब पर तो जिला अध्यक्ष दिलीप दे ने अब तक कुछ स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन कृष्णा प्रसाद द्वारा दल नहीं छोड़ने की बातों का खंडन करता हुआ ये वीडियो सोशल मीडिया पर पाया गया, जो कि 21 मई 2021 का है, जहां कृष्णा प्रसाद क्या कह रहे हैं गौर से सुने। रीजन कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन किया था। राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने के बाद, राजनीतिक आने के बाद समय के अभाव से हम अपना व्यापार बिजनेस में समय नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण से बिजनेस में काफी नुकसान उठाना पड़ा। हमारे कंपनी के जो भी साथी कर्मी स्टाफ बोले सभी बेकार हुए। आप जानते हैं कि कोरोना काल में, कोरोना वैश्विक महामारी में काफी लोगों के नौकरी देश में चला गया है, एक कोविड के कारण, कोविड-19 के कारण। इस परिस्थिति को देखते हुए, इस समय को देखते हुए
एक कोरोना काल को देखते हुए और उनके परिवार मेरे पास आ रहे थे, हमारे जो भी कर्मी थे, कंपनी के जो भी स्टाफ थे, जो भी हमारे बड़े अधिकारी थे, तो उससे क्या हो रहा था कि उनका परिवार को आना, जिस तरह से वो लोग मायूस थे, तो हमने एक सिद्धांत लिया पूरे टीम बैठ करके हम लोगों ने कि अब हम राजनीति छोड़ रहे हैं, इसलिए कि या तो राजनीतिक हो सकता है या बिजनेस हो सकता है। तो हमने इस कोरोना काल को देखते हुए, कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए, अपने व्यापार बिजनेस को देखते हुए हम राजनीतिक से दूर जा रहे हैं, किसी भी राजनीतिक दल में अभी नहीं रहेंगे, नहीं है और राजनीतिक छोड़ रहे हैं, हम राजनीतिक से दूर जा रहे हैं, किसी भी राजनीतिक दल में अभी नहीं रहेंगे, नहीं है और राजनीतिक छोड़ रहे हैं। तो इस वीडियो में कृष्णा प्रसाद साफ साफ ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि या तो व्यापार हो सकता है या राजनीति, दोनों एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए वे राजनीति छोड़ रहे हैं, उनका संबंध अब किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है। हालांकि इसके बाद उन्होंने किसी अन्य दल का झंडा नहीं थामा। हाँ, पर कई ऐसे कार्यक्रम कृष्णा प्रसाद ने आयोजित किए जहाँ सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेतागण ही शामिल हुए थे। कृष्णा प्रसाद के अलावा भी कई ऐसे नेता और कार्यकर्ता रहे जिन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली थी, लेकिन बाद में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कर नेता और कार्यकर्ताओं ने घर वापसी की। पर कृष्णा प्रसाद की ऐसी कोई तस्वीर फिलहाल सामने नहीं आई है। ऐसे में राजनीतिक हलकों में ये चर्चाएं तेज हो गई है कि आखिर कृष्णा प्रसाद को किस दल का समर्थक या कार्यकर्ता माना जाए। कभी वे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ नजर आते हैं तो कभी बीजेपी के। शंकर चौधरी द्वारा दिए गए बयान ने एक बार फिर जिज्ञासा का माहौल बना दिया है कि क्या देश की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सिद्धांत आम कार्यकर्ता के लिए अलग और व्यक्ति विशेष कार्यकर्ता के लिए अलग होते हैं। कि ममता दीदी को मैं माँ दुर्गा के रूप में पूजा करता हूँ, आप अगर चाहे तो मेरा मंदिर में जाके देखेंगे कि माँ दुर्गा के रूप में ममता दीदी को मैं पूजा करता हूँ। अंत में लोगों के इर्द गिर्द घूमता सवाल फिर वहीं आकर खड़ा होता है कि कृष्णा प्रसाद उनसे जुड़े तमाम सवालों के जवाब के लिए सामने कब आएंगे। गोविंदपुर लिट्टी होटल में हुई बैठक की असलियत और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की प्रक्रिया में क्या पुलिस प्रशासन सुस्ती दिखा रही है, या अब तक शिल्पांचल में हुई अनसुलझी हत्या की गुत्थी की तरह ये मामला भी अनसुलझा रह जाएगा, और यदि इस वजह से कोई अप्रिय घटना शिल्पांचल में घटती है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर पुलिस कैसे लेगी। আদি মোহিনীমোহন কান্দিলাল যখন বেনারসি সম্রাট তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি শিফন গাউন ক্রপ টপের রকমারি, পাশাপাশি রয়েছে মেল ফ্রেন্ডসদের জন্য বিপুল পাঞ্জাবির অপশন। আদি মোহিনীমোহন কান্দিলালের আসানসোল শোরুম 116 জিটি রোড অপোজিট অফ ভেটেরান পেট্রোল পাম্প। আও মে তুমি আপনা দিওয়ান সেট দিখাতি হু। डिजाइन तो बहुत एटेक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल।